ओके पहला तस्लनीका 2:12 कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। हाँ, जो कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर का योग्य हो, जो तुम्हें अपने आप में दो तुम्हें अपने आप में राज्य और महिमा में बुलाता है। तो तीन चीज में परमेश्वर आपको बुलाया है, पहले कैसे अपने आप में, दूसरा उसके राज्य में, तीसरा उसकी महिमा में आपको बुलाया है। कई लोग बोलते हैं कि पास प्रेत जी मुझे बताओ मेरा कॉलिंग क्या है, यही आपका कॉलिंग है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर का योग्य हो जो तुम्हें अपने आप में राज्य में महिमा में बुलाया। तो उसका बुलाहट जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जो तुम्हें अपने आप में उसमें राज्य में और महिमा में बुलाता है, महिमा में। ओके, वहां जो तुम्हारी चाल चलन परमेश्वर का योग्य हो, योग्य जो शब्द उसको हम डालेंगे जल्दी से, इट्स कॉल्ड एक्सियोस, यूनानी शब्द है एक्सियोस, यानी दैट मींस गॉडली सॉर्ट, परमेश्वर की तरह। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी जैसा दिखे, आपका वो डैडी है, आपका वो परमेश्वर है। अक्सर लोग इसको उल्टा कर दिया कि यीशु 2000 साल पहले क्यों आया, क्रिश्चियन बना के लिए। सबसे घटिया धर्म है भाई क्रिश्चियन धर्म। आमेन। आपको उस जज के सामने, सबसे महान जज के सामने आपको खड़ा होना है। oh, yes. जैसे आप शरीर से बाहर निकलेगा, आपको उसके सामने खड़ा होना है। मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना सबके लिए आज है कि आपकी आंखें खुल जाएं उस जिंदा खुदा को जानने के लिए। मैं जानता, जब मैं कॉलेज में था, अमेन, जब मैं हॉस्टल में था, अमेन, मेरे जैसे जवान लोग घूमता फिरता था, लड़कियों का लेके घूमता था, ये करता था वो करता था। उस समय 21 दिन का फास्टिंग मैं कर रहा हूँ। एक भूख अंदर जग गया, एक भूख अंदर था मेरा कि मैं डैडी को जानूं। हेलो, yes. आज मैं इस पेन को पकड़ के कह रहा हूं, मेरा डैडी इससे ज्यादा हकीकत है मेरे लिए। uh-huh. आपका जिंदगी का कर्तव्य ये होना चाहिए कि आप उस जिंदा खुदा को जाने। आमेन। जिसको कोई बना नहीं सकता, जिसको कोई लेके चल नहीं सकता, जिसको आप चर्च बिल्डिंग में बैठा नहीं सकता, वो आपको आपके माँ के कोख में सिर जाए, वो आपको लेके चलता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। ये क्या रिश्ते हो? ओह यस। वो आपको लेके चलता है मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपको लेके चलता है। हालेलुया। और जिस दिन आप उसे जान लेगा, आपको जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। ओके, पहले सर्षण 2:13, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया और तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। उसका मतलब जो वचन के ऊपर विश्वास करेगा वो आप में कार्य करने लग जाएगा, प्रभावशाली होने लग जाएगा। प्रभावशाली जो शब्द है एनर्जियो, एन मतलब अंदर, एर्गोन, एर्जियो मतलब काम करना, यानी अंदर में काम करने लग जाएगा आपका। जैसे वचन मेरे मुंह से निकल रहा, आप जब उस पर विश्वास करने लगेगा, वो वचन तेरे अंदर जाकर तेरे अंदर वो कार्य करने लग जाएगा। Amen. अंदर से तुझे बदलना लग जाएगा। Hallelujah. मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आप 10 साल में प्राप्त नहीं कर सकता, प्रभु की उपस्थिति में एक पल में आपको मिल सकता है। Amen. एक पल परमेश्वर आपके जीवन में यू कर सकता है, चीजों को बना सकता है, कर सकता है, सजा सकता है। Hallelujah. जो आप सालों साल लगेगा तो भी होगा नहीं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति है। उस स्टेटमेंट को पढ़ो, परमेश्वर की तरह चलने के पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें इस स्थान में कैसे लेकर आया। यानी परमेश्वर की तरह चलने से पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें इस स्थान में, कौन सा स्थान में, कि उसकी जैसा बनाकर, उसकी बोल रहा, आप बोल रहा कि मेरे सामने चलो, स्थान में कैसा लेकर आया, उसे क्या भरना पड़ा, वो चीज को हम देख रहे हैं। आपको मालूम है जब आदम ने वो वृक्ष का फल खाया तो क्या कर दिया मालूम है, सब कुछ उल्टा हो गया, जो सीधा चलना था वो टेढ़ा चलने लगा, चीज बिगड़ गया। दैट डिसीजन वाज अ दुर्भाग्य, दुर्घटना बोलेगा। वो एक फल खाने के द्वारा, एक निर्णय के द्वारा पूरे संसार को उसने क्या कर दिया मालूम है, गड्ढे में ठेल दिया। उसका परिणाम देखेंगे, साम्स 82:5 में पढ़ेंगे। वे न तो कुछ समझते, उस निर्णय के कारण वे मतलब संसार के लोग ना तो कुछ समझते हैं और न कुछ बूझते हैं, ना कुछ बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। अंधेरे में चलते फिरते हैं, अंधेरे। आपके जीवन में अगर कोई बुरा हो रहा है, यानी अंधकार राज्य कर रहा है, अंधकार में कौन है, शैतान है, अंधकार में कौन है, दुष्टात्माएं हैं। इसलिए बाइबल कहती है उसने तुम्हें अंधकार के बस में से
निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्यत्व में लेकर आया। यानी अंधेरा है, ये फिजिकल अंधेरे की बात नहीं हो रहा है, एक अंधेरा है जहां पर शैतान की चीज पलता है, लेकिन बाइबल कहती है उसने तुम्हें अंधकार के बस में से निकालकर उसके प्रिय पुत्र के राज्यत्व में लेकर आया। ये रोशनी है यहां पर, इसलिए आप मुझे देख रहे हैं, ये रोशनी मेरे ऊपर पड़ रहा है, और ये रोशनी मेरे ऊपर ही नहीं पड़ रहा, लेकिन ये रोशनी आपके आंख में आ रहा है, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? आमेन। आपकी अंतरात्मा में जब रोशनी आएगा, आप चीजों को सही रीति से देखने लग जाएगा। लेकिन आदम के एक निर्णय ने क्या कर दिया, पहले मनुष्य, पहले स्त्री का एक निर्णय ने क्या कर दिया, पूरे संसार को अंधकार में ठेल दिया। पढ़ो उसको, वे ना तो कुछ समझते और न कुछ बुझते हैं, ना जानते, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते, अंधेरे में चलते फिरते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है, पृथ्वी की पूरी नींव हिल गया, यानी कार्य प्रणाली जो है जैसा कार्य करना था उससे बाहर हो गया। सो एडम्स डिसीजन वाज अ कैटास्ट्रोफी, यू नो, दुर्भाग्य, दुर्घटना, पूरे संसार को ठेल दिया बाहर। परमेश्वर जिस राह बनाया, जिस मार्ग बनाया, जिस रोशनी का मार्ग बनाया, उसे बाहर कर दिया, अंधकार में ठेल दिया। लेकिन परमेश्वर ने वहां छोड़ा नहीं, आमेन। परमेश्वर ने यीशु को भेजा हमारे लिए, ताकि हम वापस रोशनी में आवे। एफिसियों 1:10 कि समयों का पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ पृथ्वी में है, सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। उसका मतलब आदम के द्वारा सब कुछ जो है बिखर गया था, लेकिन यीशु मसीह के आने के द्वारा परमेश्वर सब कुछ क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया। उसको वापस पढ़ो, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। मसीह क्या है सर? हम उसका देह है। यू नो, कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है। लोग कलीसिया बोलेगा तो बिल्डिंग को देखता है, बिल्डिंग देखेगा ऐसा डांस करने लगे, नया डांस है भाई वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया ये है भाई, और इसको लेने के लिए यीशु आ रहा है। पढ़ो उसको, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। एकत्रित करे, जो शब्द है वहां पर देखेंगे बहुत ही भयानक शब्द है। द वर्ड इज कॉल्ड एनाकेपालायोमाए। चिल्ला के बोलो, अन्ना के पलायो माए। बोलो मुगल के बोलो, अन्ना के पलायो माए। इसको लिख देना, बहुत ही भयानक शब्द है। अन्ना मीन्स अंदर, में के पाले मीन्स सिर। यू नो, यूनानी शब्द जो है, अधिकांश शब्द जो है दो शब्द से आता है। एकत्रित करे जो शब्द है, अन्ना के पलायो माए। अन्ना मीन्स अंदर, में के पाले मीन्स सिर में। देखो, आदम को परमेश्वर ने, पहला मनुष्य को बनाया, आदम और हवा, और शैतान ने क्या सोचा कि इसको मैं ले लूंगा और सारे संसार मेरे बस में हो जाएगा। हम सब आदम के ही पूर्वज है भाई। तो शैतान ने सोचा कि आदम को मैं या हवा को भरमा कर मैं उसे अंदर ले लूंगा, सब मेरा हो जाएगा। यानी एक मनुष्य के द्वारा उसने क्या कर दिया, पहले आदम के द्वारा सब कुछ क्या है, क्या कर दिया, बिखेर दिया, स्कैटर्ड। लेकिन परमेश्वर का चाल देखो, एक मनुष्य को स्वर्ग से उतारा जिसका नाम है मसीह, उस मसीह में सब कुछ इकट्ठा कर लिया। हालेलुया। सुना कि नहीं सुना? अन्ना के पलायो माए। अन्ना मीन्स अंदर, में के पाली मीन्स सिर में। मसीह सिर है, कलीसिया उसका देह है, उसके देह में वो सब कुछ एकत्रित कर रहा है। ओके, दूसरा कुरिन्थियों 5:19, उसी में थोड़ा और आगे जा रहे हैं। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर यानी अंतिम मनुष्य, यू नो, मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। संसार का जो बिखर गया था, मसीह में होकर वो क्या किया, अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। ओके, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, मेल मिलाप कर दिया। कई लोग परमेश्वर को देखते हैं डंडा लेके बैठे हैं, जब भी हम पाप करेंगे उसको या तलवार लेके बैठा काटने के लिए, झटाक। वैसे तो हम सब कट जाएंगे यहाँ पर, कोई पाप से काम करते किसी का एक कान नहीं रहेगा, कोई आंख से पाप एक आंख नहीं रहेगा। बोले यहाँ पर जितने लोग हैं सब लुल्ले लंगड़े हैं। ये
You know, think about this God who loves you. परमेश्वर के बारे में सोचिए जो आपसे प्रेम करता है. Amen. आपने जो पाप किया, the sins that you have committed. जो पाप आपने किया है. You know, he's putting, you know, is not committing that sin unto you. वो पाप आपके लिए वो नहीं दे रहा है. He's putting that sin upon the Lord on the cross. वो पाप वो क्रूस पर ले रहा है. And he makes you free. और वो आपको आजाद करता है. You are free. आप आजाद है. अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया. संसार का मेल मिलाप कर दिया. और उनके अपराधों यानी आपके और मेरे अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया. और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है. संसार को वो बुला रहा है हमें कि तेरी पापों का क्षमा हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि किसी ने भर चुका है. देखो परमेश्वर जो है, अब लगा यूं ही क्यों नहीं पाप क्षमा किया? क्यों यीशु मसीह को कैलवरी क्रूस पर मरना पड़ा? चाहिए तो ऐसे ही क्षमा कर सकता था. इसका कारण है, कितने लोग जाना चाहते हैं? देखो परमेश्वर इज अ जज. हमारा परमेश्वर न्यायाधीश है. आमेन. एंड आल्सो ही इज अ फादर. और एक पिता भी है. फादर लव्स. एक पिता प्रेम करता है. एंड जज, बिकॉज ही इज अ गुड जज, ही हैज टू डू जस्टिस. और क्योंकि वो एक अच्छा न्यायाधीश है, उसको न्याय करना था. हमें ही कैन नॉट जस्ट लुक ओवर सिन. और वो ऐसे ही पाप को अनदेखा नजरअंदाज नहीं कर सकता था. ही हैज टू जज सिन. उसको पाप का न्याय करना था. इफ ही जज सिन, और अगर वो पाप का न्याय करता है, द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड. पूरा जो संसार का नाश हो जाएगा. हमें सो ही इज अ लविंग फादर. वो एक प्रेमी पिता है. एट दैट सेम टाइम, और उसी समय, ही इज अ जज. वो एक न्यायाधीश भी है. Yes, to balance it. दोनों का समान अच्छे करना है. So what did he do? तो उसे क्या करना? You know, the solution is he himself became man. तो वो जो हल था, वो खुद ही मनुष्य बन गया. Hallelujah. And took the judgment upon himself. और वो जो न्याय है, उसने खुद अपने ऊपर ले लिया. And you are free. और आप आजाद हो गए. You and me, we are free. आप और मैं, हम दोनों आजाद हो गए. So in doing that. और ये करने के द्वारा. He is a good judge. He kept his judge position. वो अब एक अच्छा न्यायाधीश तो है ही. उसने अपना जज का पोजीशन रखा. Also he is a good father. और इसलिए वो एक अच्छा पिता भी है. Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है. वही चीज को यहाँ पर बोल रहा है. दूसरा कुरिन्थियों 5:19. अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर दिया. मेल मिलाप जो शब्द है वहां पर कैट अलासो. कैट मतलब साथ, अलासो मतलब अदला बदली. कैट मतलब अपने साथ, अलासो मतलब अदला बदली. यानी आपके पाप अपने ऊपर ले लिया, उसकी निधिमता के वस्त्र आपको पहना दिया, आपका रोग वो उठा लिया, और उसकी चंगाई आपको दे दिया, उसकी स्वस्थता आपको दे दिया, आपकी श्राप वो उठा लिया. कैलवरी क्रूस में यीशु श्रापित हो गया ताकि आपको श्राप उठाना नहीं पड़ेगा. आप श्राप से आजाद हो गया. वो स्वयं नरक गया ताकि तुझे स्वर्ग राज लेके जाए. उसको बोलते हैं अदला बदली, मेल मिलाप. कैटा अलासो. कैटा मीन्स साथ, अलासो मीन्स अदला बदली. तेरे पाप का दंड तुझे भरना नहीं है. वो भर चुका है, तू आजाद है. यीशु को जैसे आप ग्रहण करेगा, इसलिए बाइबल कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं. क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा है. और बोलते यदि कोई दिल को खोलकर, दिल के द्वार को खोलकर मुझे अंदर आने देगा, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा. यानी तुझे तृप्त कर देगा. वो जब तेरे अंदर आएगा, तुझे तृप्त कर देगा. आमें. तुझे आशीष से भर देगा, तुझे अनुग्रह से भर देगा. अब देखा, कभी कभी आप कोई जगह पे जाता है. कितने लोग गया है कहीं घर से बाहर? कहीं गया कहीं घर से बाहर? अब देखो कहीं वहां पर आप घूमते थे, अचानक आप यू नो सुधर जाएंगे. नहीं सुधरा वो बंदा भी सुधर जाएगा. भाई कैमरा भी निकला है. वो डैडी का आंख, बाइबल कहते हैं यू नो आंख की ज्वाला की तरह तेरे ऊपर लगा हुआ है. तेरी हर पाप का चिट्टा उसके पास है. लेकिन उसमें एक देयर इज अ थिंग, जितने लोग का पाप यीशु के लहू से धुल गया, वो धुल गया. यीशु तेरे जीवन में आ गया तो अपनी बेटी के लहू से तुझे धो दिया और तू धुल गया. आमेन.
कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? Yes. तो नया बन गया. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आज जो संसार में जो बड़े बड़े डिंग मारते हैं, आमेन, लेकिन परमेश्वर का नजर है उनके ऊपर, परमेश्वर का आंख है उनके ऊपर. एक दिन जब वो खड़ा होगा, शर्म के मारे खुद ही अंधकार में जाके गिर जाएंगे, नरक में जाके गिर जाएंगे. आज परमेश्वर संसार को बुला रहा है, मसीह में होकर वो सारे को क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है. हालेलुया. यस जीसस में बहुत ही अद्भुत गवाही है. आमेन. ये बहन कल रोकर आई थी, लेकिन आज इनके चेहरे पे स्माइल है. आमेन. यहां से क्योंकि आपके वजह से. हालेलुया. प्रेजी, इनके पति बाजू में खड़े बोल रहे कि कैंसर डिटेक्ट हुआ था. इनके बाएं पैर में वो ट्यूमर गांठ आई थी हड्डी में, और उनका हड्डी जो थोड़ा सा निकाल भी दिया है, उसके वजह से ये बहन मतलब बराबर ठीक से चल नहीं पा रही थी कार के अंदर. प्रेजी, हालेलुया. इनको कार में लेकर आए थे, लास्ट में जाते वक्त आपने कर उनके लिए प्रार्थना किया था, और जैसे आपने इनके लिए प्रार्थना किया था, और आज ये रात को, ये शाम को, ये बिना सपोर्ट के आसानी से चल पा रही है. हालेलुया. ओ गॉड, ओ यीशु मसीह, आपके प्रार्थना के द्वारा निकाल दे. इसके लिए मैंने यीशु गौरव को धन्यवाद कर दिए. प्रेजी भाई बता रहे कि ये बहन कुछ भी घर में काम नहीं कर पा रही थी, सब कुछ काम उनकी माँ कर रही थी. इनके मोबाइल में रिपोर्ट भी वो लेकर आए. ब्रदर रिपोर्ट दिखाइए प्लीज. वो रिपोर्ट में कैंसर बता रहा है मैन, वो कैंसर की गांठ उनके पैर में आई थी, लेकिन आपने कार में बहन बैठी थी, आपने उनके लिए जाते समय उनके लिए प्रार्थना किया. कार में ही बहन थी, आपने प्रार्थना किया. आज ये बहन बिना सपोर्ट के आप स्टेज पर आकर गवाही दे रहे कि प्रभु यीशु ने आपके द्वारा वो कैंसर निकाल दिया है, पूरी तौर से बहन को चंगा किया. इसके लिए बहन ये पूरा परिवार को धन्यवाद देता है. आमेन. 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 બીમારી પાછી ક્યારેય નહીં આવે, તમે આઝાદ થઈ ગયા છો. હાલેલુયા. આમેન.